बड़वानी जिले के राजपुर में कोरोना को मुंह चिढ़ा रहे हैं। बगैर मास्क के भेड़ों की तरह वाहनों में ठूस कर मजदूरों को ले जाया जा रहा है। जवाबदारों से पूछने पर कार्यवाही करने को कहकर मामले को टाल दिया। एक तरफ कलेक्टर की अपील, मास्क ही वैक्सीन है, मास्क लगाकर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कलेक्टर ने कहा, लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन भी चलाया जा रहा है, जिसमें कई संगठन लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि जागरूकता आई है? हम बात कर रहे हैं जिले के राजपुर की, जहां सुबह इसी तरह ठूस ठूस कर वाहनों में मजदूर आते हैं और शाम को मजदूरी के बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन इन्हें न कोई रोकने वाला है, न कोई टोकने वाला। इस मामले में जब SDOP राजपुर से बात की तो उन्होंने कहा कि समझाइश दी है, मजदूरी के लिए आते हैं, इनका इम्यूनिटी मजबूत है, इसलिए अभी तक समस्या नहीं। SDM से मिलकर चर्चा की। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। मास्क सभी के लिए आवश्यक है और कोरोना वायरस को दृष्टिगत रखते हुए ही मास्क ही बचाव का साधन है और ये कहे कि मास्क ही आज की तारीख में कोरोना की वैक्सीन है। इसी तारतम्य में बड़वानी ज़िले में जो अभियान चलाया जा रहा है और उसी में राजपुर भी एक है, चूँकि समय समय पे हम लोगों ने चालानी कार्रवाई भी की गई, समझाइश भी दी गई और जितने भी व्यापारी लोग हैं उनको निर्देशित किया जा कर चुके हैं पहले ही कि जो भी ग्राहक आए हैं बिना मास्क के आए तो उन्हें सामान नहीं देना है। उसके बावजूद भी दे रहे हैं तो पुनः एक बार समझाइश देंगे और समझाइश देने के बाद में मास्क के बगैर कार्रवाई संचालित की जा रही तो हम लोग वापस चलाने की कार्रवाई करेंगे। और मास्क सभी को पहनने के लिए जो पहले अभियान चला था वो सतत जारी है और उसी तारतम्य में हम लोग समझाइश दे के और इसका पालन सुनिश्चित करवाएंगे। जैसे वाहनों में बड़ी संख्या में लोग बैठ कर आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र है तो वो चूँकि संसाधन इतने उपलब्ध नहीं थे, अभी तो चूँकि बस वगैरह चालू हो गई है तो वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है और फसल कटाई वाला जो उस समय सीजन था लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है, बरसात भी अभी ख़त्म हो चुकी है। ऐसे इसी तारतम्य में जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सकता है, जो हम लोग करवाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।